हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एरिना ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2019 के मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल टेस्ट वर्दी से संबंधित जितनी भी नौकरियां हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ इस मेडिकल टेस्ट में क्या क्या प्रक्रियाएँ होने वाली हैं तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, और आपके शरीर के किन अंगों की जांच होती है इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल की मैंने कट ऑफ के ऊपर 3 वीडियोस बनाई हैं, जो कि टॉप डेंजर स्टेट्स की कट ऑफ क्या है, साथ ही साथ मीडियम कट ऑफ के रेंज में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, लो कट ऑफ के रेंज में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, उन सब की आपको वीडियो मिलेगी। तो आप प्ले स्टोर में जा करके इन तीनों वीडियो कट ऑफ की मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ मैंने शिफ्ट वाइज जो भी आपके हार्ड शिफ्ट आई थी वो कौन कौन से आपकी शिफ्ट रही हैं, आपके जो 18 डेज पूरे एग्जामिनेशन के पूरे दिन प्रोसेस रही उसमें कौन कौन से शिफ्ट आपके हार्ड शिफ्ट रही हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। तो आप देखिए कि आपकी शिफ्ट इसमें से कौन सी थी और आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलने वाला है, तो इस पर ही मैंने वीडियो बना करके अपने प्लेलिस्ट में डाल दिए। तो प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को भी देखिए, इससे आपको बहुत क्लियर होगा। दोस्तों, ये सब बनाने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मेडिकल टेस्ट की वीडियो बनाई जाए। बहुत बच्चों को मेडिकल में डाउट होता है, बहुत बेसिक पॉइंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो ये टेस्ट को किस तरीके से आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये सारी जितनी वर्दी वाली जो भी नौकरियाँ हैं वहाँ पर सभी जगह ये सिमिलर टेस्ट होते हैं, 90-100% आपको यही टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं से संबंधित हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको बहुत मज़ा आएगा सारी बातों को जान करके। तो बने रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी वो आपको 100% रियल बताएंगे, कोई फेक न्यूज़ आपको नहीं बताई जाएगी। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट या कोई नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल पर डालता हूँ तो आपको तुरंत मिले। दोस्तों, यहाँ पर मैं एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और जितनी रेलवे से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कोई भी वीडियो रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछेंगे तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। तो प्लीज़ दोस्त, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके और एक लाइक का बटन दबा के अपना सपोर्ट मुझे दे दीजिए। चलिए बात करते हैं कि जो मेडिकल टेस्ट की पूरी प्रोसेस है वो क्या क्या है। तो दोस्तों, ये जो मेडिकल टेस्ट्स हैं, कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं, देखिए ये मैंने कुछ बनाए हैं बेसिक मेडिकल पॉइंट्स। देखिए, कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं मेडिकल पॉइंट, जिनको आपको खासतौर पर ध्यान रखना है जब भी आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं। सबसे पहले होता है हाइट क्राइटेरिया, ये तो आपको पता ही है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसको अगर आप पीटी के लिए भी जाएंगे तो सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाती है। तो अगर आप जो भी हाइट क्राइटेरिया उन्होंने दिया है उसको मीट कर रहे हैं तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा है ईयर, आपके कान का, तब जब भी आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएं अपने कानों को बाकायदा पूरा साफ करके जाएं, कानों में किसी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है आपकी आइज, आँखों का बहुत ही बड़ा रोल है इन तरह की वर्दी वाली नौकरियों में, आँखों का बहुत रोल है। तो देखिए, इसमें आपका डिस्टेंस विजन चेक करते हैं, एक चार्ट पर आपको दिखा देंगे, छोटे अक्षर से लेकर के बड़े अक्षर तक के अल्फ़ाबेट्स बने होते हैं, उनको आपको पहचानना होता है, तो दूरी आपको थोड़ी दूरी पर बैठा देंगे जिससे आपको पहचानना है। साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस, देखिए मैंने जो अपना कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, एक इस तरीके से उनका एक सर्कुलर टाइप के होल होता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु बने होते हैं रेड और ग्रीन कलर के, उन्हीं के बीच में एक एक अंक 2-3 या कोई नंबर दे देते हैं, आपको दूर से पहचानना होता है, उसमें ग्रीन और थोड़ा सा रेड का शाइनिंग आती है जिससे आपको कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह से आप उस नंबर को नहीं पहचान पाते। तो यही वो लोग चेक करते हैं कि आप उस कलर पर, आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, आप उस नंबर को ईजिली पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो लोग ये जरूर चीज़ को जरूर देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, देखिए नोज़ के बारे में, बहुत लोग क्या होता है नाक में चोट लग जाती है या उनकी हड्डियां जो है टूट जाती है, नाक टेढ़ी हो जाती है, तो ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट है, आपकी नाक में कोई चोट नहीं होनी चाहिए, आपकी नाक बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो दांत, देखिए दांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। देखिए, दांत का भी आपका टेस्ट होता ही है, तो इसमें दोस्तों आपके दांतों में किसी प्रकार की कोई कैविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो अपनी कैविटी को आप डॉक्टर को दिखा करके अपनी कैविटी निकलवा लीजिए, उसकी फिलिंग करवा लीजिए। साथ ही साथ बहुत लोगों के दांतों में टार्टर होता है, टार्टर इन द सेंस, देखिए उनके पीला पीला दांतों पे होता है,
तो उस टार्टर को भी क्लीन कराना है। दांत पूरे प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, कैविटी फ्री होनी चाहिए, तब आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखिए बहुत आप कभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, टू पॉइंट्स। सबसे पहले तो जो आपके हेयर हैं, बाल हैं, वो एकदम छोटे छोटे बाल होने चाहिए, बाल कटे होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको लगे कि आप किसी आर्मी या वर्दी की नौकरी के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपकी सेव होनी चाहिए वो एकदम क्लीन सेव होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर देखिए डेली सेविंग की जाती है, तो इसलिए आपको क्लीन सेव और हेयर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बाल छोटे और दाढ़ी एकदम क्लीन करके जानी है। साथ ही साथ अगर आपके हाथों की बात करें, तो हाथों में आपने देखा जहाँ एल्बो के पास होता है, आपके एल्बो में या कोई हाथ में कोई फ्रैक्चर ना हो, फर्दर हाथ टूटा ना हो, हाथ में किसी प्रकार का बेंड ना हो, ठीक है। बहुत लोगों के हाथ में चोट लग जाती है, या कहीं बाइक से गिरते हैं, कुछ गिरते हैं तो उनके हाथ में बेंड आ जाता है, तो बेंड नहीं आना चाहिए, हाथ सीधे होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसके बाद चेस्ट, जो आपकी चेस्ट में है, किसी प्रकार की चेस्ट में कोई चोट नहीं होनी चाहिए, बड़ी चोट नहीं होनी चाहिए कहीं पर, या कोई ऑपरेशन ना हुआ हो, नॉर्मल चलेगा। और जो उन्होंने अपना रखा है कि आपके चेस्ट इतने सेंटीमीटर है या ये फूलनी चाहिए, तो उतना आपका जो भी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पैर की, तो जो हमारे घुटने हैं, घुटने ऐसे जो भी घुटने होते हैं एकदम सटे नहीं होने चाहिए, ये घुटने एकदम सटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए वो लोग जब आपकी एड़ियाँ नीचे से जुड़वाएंगे पैर की, तो उसमें जो आपके घुटने उनके बीच में स्पेस होना चाहिए, 4 अंगुल का कम से कम गैप होना चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, मेडिकल से बाहर कर देंगे। अगर अब लास्ट बात करें फुट की, जो आपका पंजा होता है पैर का, किसी किसी का देखिए जो होता है ऐसे हल्का सा कर्वी करके होता है, ठीक है, कर्व करके आता है यहाँ पर, तो ये कर्वनेस आपके पैर में होनी चाहिए। किसी किसी का एकदम फ्लैट होता है, फ्लैट, तो जो फ्लैट फुट अगर आपका है तो आपको वहीं से आउट कर देंगे, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए आपका, कर्वी होना चाहिए। तो देखिए टो की प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है। टीथ की प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं, अगर ठीक है, अगर आपकी ईयर में कुछ प्रॉब्लम है तो ईयर की प्रॉब्लम दूर, मतलब इनमें से आप टोटल 9 पॉइंट्स में, या आप है कि 5 to 6 पॉइंट्स पे अपना बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आप मेडिकल फिट फिट हो सकते हैं, अगर आप अभी अनफिट है तो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं बेसिक टेस्ट, कि कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल क्या है कि पहले इतना टेस्ट नहीं होते थे, बट अब टेस्ट टेस्ट उन्हें कराने पड़ते हैं, इस वजह से क्योंकि देखिए आप बाहर से तो फिट दिख रहे हैं बट इंटरनली आपको क्या डिसीज है ये उन्हें नहीं पता, तो ये सारे टेस्ट उन्हें कराने पड़ते हैं ताकि वो लोग एग्जामिन कर सकें कि आपको इंटरनल क्या डिसीज़ है। तो उसमें वो लोग यूरिन टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ताकि कोई अगर आपको डिसीज़ है तो यहाँ से उनको पता चल जाएगी कि आपको ये कोई गंभीर बीमारी है। साथ ही साथ वो आपका ब्लड शुगर लेवल भी चेक करते हैं कि आपका शुगर लेवल नॉर्मल है कि नहीं है, साथ ही साथ बीपी लेवल। बहुत बच्चे जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं मेडिकल, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बीपी लेवल हाई हो जाता है, तो उनको एक री एग्जामिनेशन री मेडिकल का भी उनको चांस देते हैं। बट देखिए दोस्तों, घबराइए नहीं, एकदम फ्री होकर के भी अपना मेडिकल एग्जाम दीजिए, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा और एकदम आपका रिजल्ट ओके आएगा। साथ ही साथ देखिए टैटू का, टैटू को लेकर के आप देखिए, पुलिस की नौकरी हो या कोई भी वर्दी की नौकरी हो, टैटू को लेकर काफ़ी सारे उनके एंड से भी निकाला जाता है कि आपके बॉडी में ज़्यादा टैटू ना हो, एक दो टैटू चल जाएगा, तो टैटू भी वो लोग देखते हैं, अगर छोटा मोटा टैटू हो तो उसको वो लोग पास करते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके शरीर में ज़्यादा टैटूज़ हैं तो आपको इसकी वजह से रिजेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए प्राइवेट पार्ट्स की भी चेकिंग होती है। देखिए दोस्तों, आजकल के आप जैसे जानते हैं कि रोज़मर्रा बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लोगों को हो रही हैं, तो लोग प्राइवेट पार्ट भी चेक करते हैं। इसमें सबसे बड़ी गंभीर बीमारी है पाइल्स की, बहुत लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उसकी भी वो लोग जाँच करते हैं, पाइल्स चेक करते हैं, किसी को पाइल्स तो नहीं है। पाइल्स है तो देखिए इसका इलाज संभव है, अगर आपको पाइल्स है तो आप एग्जामिनेशन से पहले अपना इलाज करा लीजिए, पाइल्स से आप मुफ्ती पा लीजिए, क्योंकि ये देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रोसिल का, हाइड्रोसिल देखिए कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटी छोटी बीमारी, इसे आप कहिए बीमारी, इन द सेंस क्या है कि अगर देखिए आपके हाइड्रोसिल की दिक्कत आ जाती है तो फिर आपको वहाँ से रिजेक्ट किया जा सकता है। हाइड्रोसिल कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए, ये ईजिली ठीक किया जा सकता है, क्योंकि देखिए हाइड्रोसिल में भी काफ़ी टाइप के होते हैं, किसी किसी को स्वेलिंग आ जाती है, तो स्वेलिंग के साथ साथ उनको और भी है, किसी की नस में स्वेलिंग आती है, कहीं कुछ है, तो उसका भी उनके पास काफ़ी सारे दवा के माध्यम से या कोई सर्जरी के माध्यम से आपका ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है।
दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको सोचा कि एक बेसिक जितनी भी मेडिकल पॉइंट्स हैं वो आपके साथ बताया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोग ये सारे मेडिकल पॉइंट्स से अवेयर हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे लगभग जितनी भी वर्दी वाली नौकरियां हैं उन सब पे मेडिकल यही सारी जांचें होती हैं, जो कि एक बेसिक जांच है, ये सब रहती ही रहती है। तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर की जाए और आपको जितना अच्छे से हो सके वो बताने का प्रयास किया जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको जो भी अपडेट है वो बराबर मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।